राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वृंदावन की बहुत ही खास जगह, एक बहुत ही प्राचीन दर्शनीय स्थल जो कि जहाँ की आज भी युगल जोड़ी विराजमान है और हमेशा मतलब प्रतिदिन उसके प्रमाण मिलते हैं, तो वो जगह है सेवा कुंज। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ सेवा कुंज। ये बहुत ही नज़दीक है बिहारी जी के, अगर आप जाते हैं या राधा वल्लभ जाते हैं, राधा वल्लभ के जस्ट बगल में जो गली है उस गली से सीधे हम चलते जाएंगे तो हम सेवा कुंज पहुँच जाएंगे। तो ये जो रास्ता है, भीड़ भाड़ आपको हमेशा ही मिलेगी क्योंकि बिहारी जी पास में है, राधा वल्लभ जी पास में है, और ये जो मोड़ है ना, ये लोई बाजार का ही पार्ट है। तो इसी रास्ते से होते हुए गए थे हम, और मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया है कि 16वीं शताब्दी में भगवान की सारी लीला स्थली की दोबारा खोज हुई थी। उसमें सबसे प्रमुख रोल जो है, बहुत ही खास रोल है हरिदास जी का, श्रीहित हरिवंश जी का, और साथ में चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे उन लोगों का। तो इन सभी लोगों ने फिर से सब पूरे वृंदावन को एक तरीके से बसाया। तो श्रीहित हरिवंश जी ने सबसे पहला मंदिर राधा वल्लभ का बनवाया था 1590 में, और सेवा कुंज को भी उन्होंने ही प्रकट किया था। श्री हरिवंश जी स्वयं भगवान की वंशी के स्वरूप थे, तो इसलिए मतलब आप समझ सकते हैं भगवान की लीला स्थली है। और ये देखिए, हम पहुंच गए सेवा कुंज। बंदों को दाने चले ले जाइए। चने डालो बाबू जी, बंदरों का दाना चने डालो बाबू जी। तो बंदरों को खिलाने के लिए चने, ब्रेड और बन थोड़ा सा हमने ले लिया सेवा के लिए। और ये है श्रीहित धाम वृंदावन में, निकुंज वन भी कहते हैं इसको। और अंदर पहुंचते ही मतलब एक अलग ही दिव्य आपको मतलब महसूस होता है, अलग ही एक एहसास आता है। और प्रवेश द्वार पे ही एक चबूतरा सा बना हुआ है, ये सामने पूरा जाल लगा हुआ है, पहले ये जाल नहीं था। और ये जो चबूतरा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप जो भी बंदर को खाने को ले जाएं वो यहीं पे रख दें। क्या होता है, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं और फिर चीज़ें वेस्ट होती हैं। और दोनों साइड में दो फाउंटेन है, अंदर पूरा जाल लगा हुआ है, पहले यहाँ पे ये जाल नहीं था, खुला खुला था, निधिवन भी खुला था और सेवा कुंज भी खुला था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बंदर लोग थे और लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए इस तरीके से जाल बना दिया है। और इस तरीके से जाल बना हुआ है तो आप बहुत ही सेफली अंदर जा सकते हैं, लेकिन हाँ बंदर तो फिर भी आ जाते हैं। अरे एक और खिला दे, खिलाई मैं खिलाऊं, अब सब आ गया। अरे वाह, डर अंदर है, पकड़ो, ये छोटू आ गया, छोटा सा, ये कितना छोटा। तो जो भी आपको खिलाना है अपने हाथ से खिलाइए या फिर चबूतरे पे रख दीजिए। छोटे क्यूटू बहुत सारे बंदर हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का भी बहुत महत्व है, जैसा कि हर चीज़ मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़, पेड़ पौधे भगवान के धाम में, कुछ भी, एक कीड़ा मकोड़ा भी इस नॉर्मल मतलब साधारण नहीं है, हर चीज़ दिव्य है। तो जो सेवा कुंज की कहानी है वो ये है कि भगवान जब यहाँ पे रास हो रहा था, ये भी रास स्थली है, अंदर एक मंदिर बना हुआ है ठाकुर जी किशोरी जी का, लेकिन वहाँ पे कैमरा मना था। और बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, अंदर से आपको अच्छा सा लगेगा, लेकिन वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे जब रास किया था भगवान ने, ठाकुर जी ने, तो किशोरी जी थक गई थी और उसके बाद ठाकुर जी ने उनके चरण दबाए थे। मतलब सारे लोक के स्वामी जो हैं इस जगह पे, अपनी प्रियसी के राधिका जी के, अपनी किशोरी जी के चरण दबाते हैं। तीन लोग का स्वामी किशोरी जी की सेवा में है, इससे मतलब बड़ा कुछ हो नहीं हो सकता। तो किशोरी जी कितनी महत्वपूर्ण है आपको समझ में आना चाहिए। आज भी यहाँ नित्य रास होता है ऐसा माना जाता है, और रात को सब लोग गायब हो जाते हैं, शाम की आरती के बाद सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रसाद रखा जाता है, सेज लगाई जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, और सुबह जो है जब मिलता है तो सेज दबी हुई होती है, लड्डू और दातून जो है कुछ मतलब लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, दातून खुची हुई मिलती है। तो आज भी भगवान युगल जोड़ी में यहाँ पे आते हैं, और ऐसा मतलब दिव्य विश्वास है सभी का, और इसलिए ये निधिवन और ये सारी जगह ना बहुत ही दिव्य महसूस होती है। तो इन जगहों पे जब आप जाएं तो पूरे श्रद्धा के साथ जाएं, तभी आपको उसका एहसास होगा।
क्योंकि अगर आप पूरे विश्वास के साथ जाते हैं तभी आपको भगवान महसूस होंगे। और ये अंदर जो पेड़ पौधे हैं ना, ये अजीब ही तरह के एकदम घने से हैं, देखिए किस तरह से एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो ये लताएं नहीं हैं, ये पेड़ पौधे नहीं हैं, ये सब भगवान की सखियाँ हैं जो पेड़ पौधों में तब्दील हो जाती हैं और रात में फिर ये भगवान के साथ में नृत्य करते हैं। तो इस तरीके का विश्वास अगर होगा तभी आपको मतलब उस तरीके से महसूस कर पाएंगे आप भगवान को। और बहुत ही खूबसूरत है, बंदरों की सेवा करते जाइए, बहुत सारे बंदर यहाँ मिलते हैं आपको। और अंदर यहाँ पे है एक ललिता कुंड। कहते हैं कि ललिता सखी जो है उनको बहुत प्यास लगी थी जब वो रास कर रही थी, तो रास के समय उनको प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बंसी से खोद कर ये ललिता कुंड यहाँ पे बनाया था। तो उस जगह पे ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है और साथ में ही यहाँ पे पास में ही एक कुंड है जो कि काफ़ी डीप है, लेकिन उसको गेट में लॉक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब ललिता जी को प्यास लगी थी तो भगवान ने अपनी बंसी से खोद के कुंड बनाया था और सभी लोगों ने पानी पिया था और विश्राम किया था। ये है वो ललिता कुंड जिसको कि अब इस तरह से बंद कर दिया गया है। और बाहर की तरफ चबूतरा है जिसपे कि कहते हैं कि आज भी रास होता है। तो सारी चीज़ें हैं, आपको विश्वास होना चाहिए अंदर से, तभी आपको वो फीलिंग आएगी और तभी आपको लगेगा कि हाँ भगवान के धाम में हो। एक एक चीज़ यहाँ पे दिव्य है, कुछ भी साधारण नहीं है। कोई आपको मिलता है उसको भी आप उसकी पोशाक उसकी भाषा से मत आप आंकिए, क्योंकि वो भी दिव्य कुछ भी हो सकता है, भगवान स्वयं भी आपके आसे आकर मिल सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को महसूस करिए और जब भी आते हैं सेवा कुंज जाइए, मतलब निधि बन जाइए, बंदरों की सेवा करिए, किसी भी तरीके से जो भी सेवा हो सकती है, कहते हैं ना तन मन धन, जो भी सेवा आपसे पॉसिबल है वो करिए। तो बस, और यहाँ पे ये फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मेन गेट के पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे और रात में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है, मोर पक्षी बंदर सब चले जाते हैं आरती के बाद। और सुबह की आरती जो होती है 5 बजे से मतलब होती है, 5:15 बजे की आरती होती है सुबह सुबह, जैसे कि निधिवन की सुबह की आरती दिखाई थी मैंने, वैसे यहाँ भी 5:15 बजे होती है। मॉर्निंग में 5 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है। तो ये है सेवा कुंज के दर्शन, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तो यहाँ अगर वृंदावन धाम आते हैं आप तो एक बार सेवा कुंज, निधिवन, राधा वल्लभ बिहारी जी, इन सभी मंदिरों में जरूर जाइए, और भी बहुत सारे हैं। पास में ही एक राधा दामोदर मंदिर भी है, वहाँ भी जरूर जाइए। तो ये सारी जगहें जो हैं दिव्य हैं भगवान के धाम में, मतलब एक ही जगह पे भगवान चले हैं, उन्होंने इतनी लीलाएँ की हैं ठाकुर जी ने कि ये जगह मतलब जगत के स्वामी का मतलब वैकुंठ से भी बड़ा धाम, मतलब मैंने बताया ही है कि वृंदावन धाम की क्या महत्वता है। तो बस इस तरीके से मेरा सेवा कुंज का ये मतलब हमने सफ़र तय कर लिया है, अब फिर किसी दिन जाएंगे सुबह सुबह की आरती में तो आपको अपने संग लेके जाएंगे। तो बस वापस आ रहे हैं, ये पूरा अनाज मंडी है जो लोई मार्केट की अनाज मंडी है, उस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि अंदर से गए, आते समय अंदर से आए थे, अभी हम बाहर के रास्ते से जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब इधर से जाते हैं तो यहाँ पे जो ये मथुरा रोड है पूरी, और यहाँ पे ये रामकृष्ण मठ का जो पूरा अस्पताल बना हुआ है वृंदावन में, काफ़ी बड़ा ये हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा और बहुत ही बड़ा, ये देखिए रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल। तो इस रोड से जा रहे थे, मथुरा रोड से, क्योंकि अंदर से जाने से बहुत भीड़ मिलती है और बहुत टाइम लगता है, तो ज़्यादा समय तो उधर से गए थे लेकिन आते समय इधर से गए। और इस रोड पे भी बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो चना पुआ आश्रम है एक, जहाँ पे प्रसाद में चना और पुआ मिलता है। तो भगवान के धाम में खाने की कमी नहीं है, अगर आप सेवा सच में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से रह के सेवा कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे खाना नहीं मिला, पशु पक्षी पेड़ बंदर कुत्ते सबको खाना मिलता है। तो पूरे मतलब आदमी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी खाने की कमी नहीं है। आश्रम है चनाको आश्रम है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ है। और भगवान के धाम में मतलब श्रद्धा से आएंगे तो आपको सब कुछ दिव्य और अच्छा महसूस होगा, तो ज़रूर आइए। और अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है, ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है वृंदावन में, तो आइए और दर्शन करिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। राधा वल्लभ मंदिर का वीडियो नहीं देखा है, लोई बाज़ार का वीडियो नहीं देखा है तो सब देखिए, मेरे पूरे वृंदावन के वीडियो देखिए और यहाँ एक बार ज़रूर आइए। राधे राधे।